Hi guys, this is Vipul from Team Primebook. Welcome to the fourth video of how to set up your Primebook. And आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने Primebook के ऊपर की मैपिंग को सेटअप कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा कि ये की मैपिंग है क्या एंड इसकी जरूरत क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि Primebook एक Android बेस्ड लैपटॉप है एंड Android के ऊपर में जितनी भी गेम्स होती हैं वो सारी टच बेस्ड गेम होती हैं। ज्यादातर इन गेम्स के अंदर में कीबोर्ड का सपोर्ट नहीं होता है, केवल कुछ ही ऐसी गेम्स है जैसे Asphalt 8, Asphalt 9 जिनमें आप कीबोर्ड को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पर PUBG जैसी गेम्स, Free Fire जैसी गेम्स में कीबोर्ड का सपोर्ट नहीं होता है। इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसका नाम है की मैपिंग। इसका यूज करके आप किसी भी की को कीबोर्ड के थ्रू मैप कर सकते हैं एंड अपनी गेम को आराम से खेल सकते हैं। की मैपिंग का सबसे बड़ा पर्क ये है कि आप किसी भी की को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं और कोई भी की उसके ऊपर में अटैच कर सकते हैं। की मैपिंग को सेटअप करना बहुत ही इजी है और आप अपनी कोई भी फेवरेट गेम के ऊपर इसे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स जो कि है फ्री फायर, उसके ऊपर मैं ये की मैपिंग सेटअप करके दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले गेम को ओपन कर लेना है, तो मैं यहाँ फ्री फायर ओपन कर लेता हूँ। एक बार गेम लोड हो जाए तो मुझे यहाँ पर लॉबी में आना है और गेम स्टार्ट कर देनी है। जब आपकी गेम स्टार्ट हो जाए तो आपको ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स दिखने लगेंगे। नाउ अब हमारा रियल काम स्टार्ट होता है जो कि है कीज को मैप करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट कंट्रोल बटन को दो बार प्रेस कर लूंगा और आप देख सकते हैं कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं जैसे डीपैड, एम, बटन एटसेट्रा। आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑप्शंस को यहाँ पर मैप कर सकते हैं ऑन स्क्रीन कीज के साथ में। फॉर एग्जांपल मैं डीपैड को मैप करके दिखाता हूँ प्लेयर मूवमेंट के ऊपर में। यहाँ पर मैं WASD की का यूज कर सकता हूँ और अपने प्लेयर को इजिली मूव कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप डिफरेंट बटन्स को भी यहाँ पर मैप कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक रन, शूट, स्कोप एंड मैनी अदर थिंग्स। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा प्लेयर मूव नहीं कर रहा है अगर मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूं तो। इसके लिए मुझे की मैपिंग में दोबारा जाना है और एम लगाना है। एक बार एम लग जाएगा तब मैं यहां पर कंट्रोल प्रेस करूंगा और फिर जब मैं माउस को मूव करूंगा तो मेरा प्लेयर भी साथ साथ मूव होगा। इसी तरीके से आप ड्राइविंग के लिए भी डिफरेंट कीज को मैप कर सकते हैं ताकि आपको एक सीमलेस गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप इसके लिए हमारे WhatsApp चैट सपोर्ट पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।